अपनी मांगों को लेकर मैं तो जो प्रदेश भर के जो युवा बेरोजगार है वो आज शहीद स्मारक पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक बार मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा, जो उनकी मांगे हैं, चाहे पेपर लीक से जुड़ा प्रकरण हो या फिर जो भर्तियां हैं जो लंबे समय से लंबित चल रही हैं, उनकी भर्तियों को मांग करने के लिए जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ है उसकी ओर से जो एक दिवसीय जो धरना है सत्याग्रह वो यहाँ पे किया जा रहा है। आप नजारा देख सकते हैं, यहाँ पर जो विभिन्न जो कैटेगरी से जुड़ी हुई जो भर्तियां हैं उसके लोग उसके अभ्यर्थी हैं, जो युवा है वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार अपनी बात सरकार के पास पहुंचाना चाह रहे हैं। चुनावी वर्ष है तो इन्हें पूरी तरह से उम्मीद है कि सरकार जरूर यहाँ पर इनकी यहाँ पर बात सुनती हुई नजर आएगी। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इसमें मौजूद हैं, चाह रहे हैं कि सरकार है, चुनावी वर्ष है तो इस समय जो भी इनकी मांग है इसको यहाँ पर पूरा किया जाए। भूपेन्द्र यादव है जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो नेता है, उनके जो सानिध्य में है ये जो धरना है ये यहाँ पर दिया जा रहा है। कुछ ही समय में यहाँ पर जो पुलिस की ओर से एक वार्ता का हालांकि बुलावा भी आया है, जो ज्ञापन है वो मांगा गया है, तो संभवतः एक वार्ता यहाँ पर बेरोजगारों के साथ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर चलो जो बेरोजगार है उनसे यहाँ पर बात करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं ये सब कुछ ये जानने का प्रयास करते हैं किस तरह की मांग है यहाँ पर। सर मेरा नाम कमलेश सैनी है, मैं रीट पात्रता का स्टूडेंट हूँ। 22 जुलाई 2022 को गवर्नमेंट ने रीट पात्रता परीक्षा करवाई थी, जिसमें रिजर्व कैटेगरी को 55% यानी कि 52 अंक पर अनुत्तीर्ण माना गया, जबकि प्रत्येक राज्य में और केंद्रीय पात्रता परीक्षा में प्रत्येक स्टूडेंट को 82 अंक पर उत्तीर्ण घोषित किया जाता है। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया, कोर्ट ने हमें फाइनल एग्जाम में बैठने के ऑर्डर जारी करवाए, जिससे हम फाइनल एग्जाम में बैठे। हमारे कट ऑफ से जो फाइनल एग्जाम हुई उसमें 50-50, 60-60 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें बाहर निकाला जा रहा है प्रमाण पत्र के लिए। यदि हमें प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो हमें टीचर बनने का मौका नहीं मिलेगा। ये देखो, ये 2011-12 में 8-8 में भी बीएससी वाला उत्तीर्ण माना गया था और सी डेट में सभी में उत्तीर्ण माना गया है। इसलिए हमारी मांग का है कि हमारे को जल्दी से जल्दी रीट पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट जारी करे, जिससे हम इस परीक्षा में पेंडिंग की जगह हमारे वैलिडिटी और हम उत्तीर्ण ले। भर्ती से जुड़े हुए हैं, मैं कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती से जुड़ा हुआ हूँ। आईटीआई कॉलेजों में लगभग 90% पद खाली है। सरकार ने बजट 2019 में 1500 पदों की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। विभाग पर 3 साल में नियम तक नहीं बने, हम विभाग के चक्कर काट काट के थक गए हैं। लेकिन विभाग के अधिकारियों का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हमने हमारा काम कर दिया है, जबकि विभाग पर अभी 3 साल में नियम नहीं बने हैं। आज हमने फैसला किया है, क्योंकि हमारी डिग्री 5 साल की वैलिडिटी होती है। अगर 5 साल में विज्ञप्ति जारी नहीं होती हमारी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी डिग्री की। अगले महीने हमारी डिग्री की वैलिडिटी खत्म हो रही है, अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, नियम भी नहीं बने हैं। तो हम राष्ट्रपति महोदय को इच्छा सामूहिक इच्छा मृत्यु का हम ज्ञापन तैयार करके जो बेरोजगारों की मांगे हैं ये यहाँ पर है। इसके अलावा अन्य जो भर्ती से जुड़े बेरोजगार हैं वो भी हमारे साथ। मेरा नाम शशिकांत मीणा है। हमारी मांगे राजस्थान में सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलवाने के हेतु है, जो कि 2015 में आई थी लास्ट। आज 8 साल हो गई सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्ती को निकले हुए। राजस्थान में सफाई कर्मचारी और इन पे स्वस्थ अनरक्षक पे कब पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो सेनेटरी इंस्पेक्टर जल्द से जल्द भर्ती निकले और वित्त विभाग से हमारी स्वीकृति मांग जल्दी से जल्दी माने, जिससे राजस्थान में सेनेटरी इंस्पेक्टर की भर्ती आए। मैं भी सेनेटरी इंस्पेक्टर भर्ती के लिए हूँ, लेकिन मैं ये सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसे सफाई कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर भी विभाग भाई विभाग अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, उनके ऊपर अलग से अलग पद होते हैं, उनमें से एक सेनेटरी इंस्पेक्टर का पद है। तो 2015 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद में वैकेंसी नहीं आई, इसका मतलब ये है कि ये स्वच्छता नहीं चाहते हैं भाई। स्वच्छता निशन होना जरूरी है, स्वच्छता के लिए सरकार बोलती है कि स्वच्छता है तो जागरूकता है और जागरूकता है तो सब कुछ है, लेकिन स्वच्छता निशन की भर्ती आई नहीं अभी तक 2015 के बाद में। और ये जो हमारे सेनेटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा है वो 10+2 होता है, उसको अब ये बोल रहे हैं कि डिग्री से आएगी, ये ग्रेजुएट से आएगी। ग्रेजुएट से क्यों भाई, जब डिप्लोमा 10+2 से होता है तो ग्रेजुएट क्यों होना चाहिए उसका भाई? ग्रेजुएट या तो फिर डिप्लोमा ग्रेजुएट करवाओ यहाँ से आप, या फिर डिप्लोमा बंद कर दो भाई, जब डायरेक्ट ही आनी है भर्ती ग्रेजुएट से, तो स्वच्छता निशा कोर्स करवाने क्या मतलब है? ये तो एक तरह से ये हो गई कि भाई बेरोजगार मारा भी जाए और इसको सांप भी टूट जाए और लाठी भी नहीं टूटे, ऐसा सिस्टम करना चाहती है सरकार भाई। 10+2 से अगर डिप्लोमा निकल रहा है तो उसको डिप्लोमा से निकालने जाए ना भर्ती।
की है। और जो भर्ती से जुड़े लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, किस भर्ती से? सर हम सीईटी 40% की मांग को लेकर है, हम लगातार सीईटी 40% की मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार के अधिकारी अनसुनाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत साहब भी कह चुके हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी अभी मान नहीं रही, और हम सरकार का अभी हर विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम बना रही युवाओं की, और सरकार का चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के नजदीक सरकार के जनप्रतिनिधि जाएंगे हमारे विधानसभाओं में, हम सरकार का विरोध करेंगे, हम परेशान हो जाएंगे सीईटी 40% की मांग को लेकर, 10 लाख बेरोजगारों को नुकसान है इससे। जो तमाम बातें हैं बेरोजगारों ने यहाँ पर कही है, और कुछ जो बेरोजगार हैं, कुछ महिला बेरोजगार भी हमारे साथ है, उनसे बात करने का यहाँ प्रयास करते हैं। मैम किस भर्ती से आप जुड़े हुए हैं? हम पैरामेडिकल भर्ती से आवाज आ रही है। हमारी मांगे ये है कि हम लोग पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक बेरोजगार घूम रहे हैं, और इन लोगों के बारे में अभी तक सरकार ने ना तो कैडर बनाया है ना सेवा नियम बनाया है, तो हम लोगों की यही मांग है कि सेवा नियम जल्दी से जल्दी बनाया जाए और सरकार जाने से पहले हम लोगों को संतुष्ट करके जाए। हाँ हम लोग काफी टाइम से सेक्रेटरीट के चक्कर काट रहे हैं, बट वो लोग यही कहते हैं कि है ना फाइल बन रही है, फाइल आगे चल रही है, आपका काम हो रहा है, बट एक साल से भी ज्यादा हो चुका है, मतलब 2015 से बच्चे चक्कर काटे ही जा रहे हैं, कुछ भी संतुष्टि नहीं मिली हम लोगों को अभी तक, इस वजह से हम लोगों को धरने पे बैठना पड़ रहा है। जो ये भर्ती से जुड़ा मामला है, जो विभिन्न संवर्ग से जुड़े जो अभ्यर्थी है यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर उपेन्द्र से भी यहाँ पर बातचीत का यहाँ पर प्रयास करेंगे। देखिए बड़ी संख्या में जो बेरोजगार है वो यहाँ पर मौजूद है, अपना जो विरोध है वो यहाँ पर दर्ज करवाने का वो प्रयास कर रहे हैं। उपेन्द्र से यहाँ पर जो है बात करने का यहाँ पर करते हैं कि क्या कुछ उनकी मांग है यहाँ पर, किस तरह से ये जो बेरोजगारों की बात है वो लगातार यहाँ पर उठाते रहे हैं उपेन, और सरकार तक पहुंचाते भी रहे हैं इससे पहले भी कई बार, और जो आज प्रदर्शन जो किया जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं ये अंदेशा उपेन ने जताया है कि सरकार निश्चित तौर पर जो बात है बेरोजगारी की वो यहाँ पर सुनेगी। लेकिन फिलहाल जो शहीद स्मारक है, आप एक बार पूरा मैं नजारा आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि विभिन्न जो भर्ती से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पर्यटक गाइड भर्ती हो, चाहे पैरामेडिकल से जुड़ी हुई भर्ती हो, चाहे इसके अलावा जो अन्य एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जो भर्तियां हैं वो सभी मांग को लेकर जो लोग हैं वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ जो बेरोजगार युवा हैं जो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी सर, मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का विद्यार्थी हूँ। जिस तरह 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा सितंबर की 13, 14, 15 सितंबर को आयोजित की गई, और लगातार इसमें धांधलेबाजी यहाँ सामने आ रही है, एक ही जिले से, एक ही जाति विशेष के, एक ही तहसील से 200 से अधिक विद्यार्थियों का चयन होना बड़ा भ्रष्टाचार का विषय है, इस पर जाँच होनी चाहिए। एक आरपीएससी के एक्स मेंबर रामूराम जी राय का, जिनके बेटे और बेटी टॉप रैंक के साथ सब इंस्पेक्टर परीक्षा, क्या यह सब इंस्पेक्टर परीक्षा की जांच का विषय नहीं है? आरपीएससी के एक्स मेंबर जो बाबूलाल जी कटारा है जो गिरफ्तार किए जाते हैं, उनके भतीजे का सब इंस्पेक्टर में अच्छी रैंक के साथ चयन होता है, और बाबूलाल जी कटारा ने गिरफ्तार होने से पहले जब तक वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सारे इंटरव्यू लिए उनमें वो शामिल थे, तो उस स्तर पर भी बड़े लेवल पर सब इंस्पेक्टर परीक्षा में धांधलीबाजी हुई है। मैं सरकार से जननायक मुख्यमंत्री जी से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में धांधलीबाजी हुई और जल्द से जल्द इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इस पर रोक लगाई जाए और अयोग्य विद्यार्थियों की जांच की जाए। जो एक ही जिले से 200 से अधिक अभ्यर्थी हैं, इनकी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने हो। बिल्कुल, उपेन भी हमारे साथ मौजूद है। उपेन, हमेशा आप जो युवा बेरोजगारों की आवाज है वो उठाते आए हैं, विभिन्न भर्तियों से जुड़े आज यहाँ पे लोग। देखो हमने 1 लाख नई भर्तियों को विभाग वाइज वर्गीकरण किया जाए, विज्ञप्ति जारी करें, भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करें। 1 लाख जो प्रक्रियाधीन भर्तियां है उनका भी जल्द से जल्द 88% से पहले ज्वाइनिंग दे, हम मांग कर रहे हैं। आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड में अध्यक्ष से अध्यक्ष की नियुक्ति कमेटी बनाकर या यूपीएससी की तर्ज पर किया जाए। गोपाल कैसावत की आरपीएससी के तमाम सदस्यों की जांच करने की मांग कर रहा है। ऐसा ही भर्ती में जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, एक ही क्षेत्र से चयन हो रहा है, तो उनकी जांच की जाए, योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। जो बजट की घोषणा है वो पूरी करें, पंचायत राज जैन हो, सेनेटरी इंस्पेक्टर हो, चाहे कनिष्ठ अनुदेशक हो, चाहे वो दंत चिकित्सक हो, तमाम नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, और जो पर्यटन गाइड्स हैं इनको नियमित करने की मांग हो, और जो 1 लाख प्रक्रियाधीन अध्यापक भर्ती है, पीटीआई है, इन तमाम को चुनाव आचरण संहिता से पहले उनकी ज्वाइनिंग हो, तमाम मांगों को लेकर आज हमने मोर्चा खोला है और उम्मीद है सरकार हमारी मांगों को मानेगी। कई बार सीएम से भी आपको तमाम मुद्दों को लेकर, भर्तियों को लेकर चर्चा हुई है, आश्वासन उन्होंने दिया है, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक उनको अमल में नहीं लाया? कई मांगे हमारी पूरी
जो हमने 12 मार्च को उम्रकैद की सजा कानून की मांग रखी, सरकार ने वो मांग पूरी की है। यही 15 फरवरी को हमने भर्तियों की मांग के लिए आंदोलन किया, फिर 1 लाख भर्तियों की घोषणा राज्य सरकार ने की है। मुगध में बेरोजगार पर दर्ज वो वापस सरकार ले रही है। कई मांगे सरकार ने की है, इसलिए हम आज याचना करना है, प्रार्थना करना है, मांगे नहीं मानेंगे, सितंबर में रन करेंगे, जिसकी रणनीति हमने अभी से बनाना शुरू कर दी। वार्ता के लिए अभी तक कोई आया? पुलिस प्रशासन के लोग आए थे, वार्ता नहीं करवाएंगे तो हम सिविल लाइन्स कुछ करेंगे, लेकिन हम आर पार की लड़ाई के लिए लगातार लड़ रहे हैं। उम्मीद है मुख्यमंत्री जी हमारे साथ न्याय करेंगे। उपेन का कहना है कि इससे पहले भी कई बार सीएम अशोक गहलोत से इनकी मुलाकात हुई है, कई बार जो वार्ता है वो हो चुकी है, यहाँ पर कुछ मांगे थी बेरोजगारों से जुड़ी हुई वो उन्होंने वहां पर मांगी है, लेकिन जो कुछ मांगे थी वो यहाँ पर बाकी रह गई थी। उन सभी मुद्दों को लेकर आज जो युवा बेरोजगार है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो युवा बेरोजगार है यहाँ पर वो मौजूद है और अपनी जो मांग है वो सरकार तक यहाँ पर पहुंचाने का प्रयास लगातार वो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो बेरोजगार हैं वो मौजूद है, विभिन्न भर्तियां हैं, पर्यटक गाइड भर्ती हो, चाहे निदेशक भर्ती हो या फिर पैरामेडिकल स्टाफ से जुड़ी हुई जो भर्तियां हैं, उन सभी को लेकर जो मांग है वो यहाँ पर रखने की बात लगातार जो युवा बेरोजगार है वो यहाँ पर रख रहे हैं। इसके अलावा जो जिस तरह से उपेन ने बताया कि फिलहाल वार्ता का निमंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ने पहल की है, जो उनकी मांगे थी वो आगे सरकार तक पहुंचाने की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि यदि सरकार उनकी बात नहीं मानती है और उनकी वार्ता नहीं होती तो फिर सिविल लाइन्स कूच की बात भी इन्होंने यहाँ पर की है। लेकिन इससे पहले जो यहाँ का नजारा है शहीद स्मारक का वो यहाँ पर आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, जो कुछ बड़ी मांगे हैं, जो कुछ सरकार से युवा चाहते हैं, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, युवाओं को पूरा पूरा उम्मीद है कि सरकार का जो अंतिम वर्ष है, 4 महीने बाद चुनाव है, इससे पहले अगर उनकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाए तो यदि पूरी होती है तो लाखों हजारों जो युवा बेरोजगार है उनको यहाँ पर नौकरी का तोहफा यहाँ पर मिल सकेगा। अन्य जो बेरोजगार आप देखिए और जो बेरोजगार युवा हैं उनसे यहाँ पर बातचीत करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, किस तरह से वो अब तक सरकार तक अपनी बात बनाना चाहते हैं, किस भर्ती से भैया? हम कनिष्ठ अनुदेश की भर्ती से हैं, जहाँ पे भारत सरकार और राजस्थान सरकार स्किल डेवलपमेंट की बातें करती है, युवाओं को कौशल उत्पन्न करने की बातें करती है, बट वहीं राजस्थान की आईटीआई की स्थिति ये है कि वहाँ पे 90% पद खाली पड़े हैं, वहाँ पे 90% जो पद रिक्त हैं। हम चाहते हैं, हम लोगों ने सारा ना सीआईटीएस किया है, जो अभी डीजीटी ने अप्लाई कर दिया कि सीआईटीएस कंपल्सरी होना चाहिए, बट सबसे बड़ी विवेचना ये है हमारे साथ, जो सीआईटीएस का कोर्स है वो 5 साल तक का ही वैलिड है, तो हमारा लास्ट ईयर है, किसी का सेकेंड ईयर लास्ट ईयर है और वैकेंसी 4 साल से वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। पिछले बजट में घोषणा की गई थी 1500 पदों की, जिसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। जहाँ अभी निर्देशालय जाते हैं, निर्देशक महोदय बताते हैं कि 3000 पोस्टों पे वैकेंसी चल रही है, फाइल को पहले भेजा जाता है, फाइल अनुमोदित होकर आती है, उसके बाद आईयू में कुछ ऊपर नीचे करके उस फाइल को अटका दिया जाता है। तो हम चाहते हैं हमारी वैकेंसी जल्द से जल्द आए, जिससे युवाओं को कौशल भी मिले और हम बेरोजगारों भी को भी कुछ भला हो, बस हमारी सरकार से यही निवेदन है। बिल्कुल, सरकार एक और जहां मतलब स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है तो दूसरी ओर युवाओं का कहना है कि जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो भर्तियां हैं वो अभी तक नहीं निकाली गई है, विज्ञप्ति जारी हुई लेकिन कहीं ना कहीं फाइल अटकी हुई है, जो अंतिम जो सूचना है वो अभ्यर्थियों तक फिलहाल यहाँ पर पहुंचती भी नजर नहीं आ रही है। बहरहाल जो अपनी तमाम मांगे हैं उनको लेकर फिलहाल जो विभिन्न संवर्ग से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, देख सकते हैं आप अलग अलग जो भर्तियां हैं उनसे जुड़े हुए वो लोग यहाँ पर हैं और जो भी उनकी मांगे हैं आप देखिए सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से उम्मीद है कि सरकार उनकी बात सुनेगी, नहीं तो आंदोलन की बात करें, चुनावी वर्ष है तो निश्चित तौर पर सरकार को चेतावनी भी युवा यहाँ पर दे रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो फिर हम किस तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे सरकार का, उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो नेता है उनका किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ये तमाम तरह की जो बात है उनको लेकर लगातार जो युवा है वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल लगातार जो अब नजारा है वो शहीद स्मारक का यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से युवा बेरोजगार हैं, जुटे हुए हैं, आप चाहते हैं कि उनकी मांग है वो यहाँ पर पूरी की जाए, जो भी इनकी मांगे हैं उन सरकार तक पहुंचे,
उसको लेकर आज शहीद स्मारक पर लगातार एकत्रित हुए हैं। चाहते हैं कि जो जितनी भी भर्तियां हैं वो चुनाव से पहले यहां पर पूरी हो जाए ताकि एक नौकरी का तोहफा है वो यहां पर मिल सके। देखिए लगातार सरकार भी जो भर्तियों की बात है वो लगातार यहां पर कहती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं सूचना जारी होती है भर्ती को लेकर, लेकिन उसके बाद जो फाइल है वो शायद आगे नहीं चल पा रही है। हालांकि उपेन्द्र ने जिस तरह से अपने बयान में कहा कि इससे पहले भी सरकार से जो वार्ता हुई थी उसके अंदर जो मांगे थी उनको मांगे माना गया था, लेकिन पेपर लीक से जुड़ा प्रमुख मुद्दा था, इसके अलावा पेपर लीक के जो दोषी उनपे कार्रवाई की बात है युवा बेरोजगारों ने रखी थी तो वो अमल में लाई गई है यहाँ पर। लेकिन अब जो आखिरी वर्ष है सरकार का, 4 महीने बचे हैं, तो जो वंचित अभ्यर्थी हैं की सूचना जारी हो चुकी है उनको पूरा यहाँ पर किया जाए, तो ये तमाम मांगों को लेकर जो युवा बेरोजगार है वो यहाँ पर अपनी मांग है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हम आपको सीधी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी बात है वो लगातार सरकार तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा अजीब सा लगता है जब ये सुनते हैं।